मगरिब उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम ने दिया, हमारे हुक्मरान इससे गाफिल क्यों? वो मतलब ये हुक्मरानों की अपनी कमी है। 1977 तक किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई माली करप्शन के चार्ज नहीं। हमारा मजहब ये कहता है इस्लाम के नाम पे बनी थी ये रियासत, क्यों आप जैसे लोग नहीं आवाज उठाते पार्टी के अंदर? हमारी किसी कोई इकट्ठ होता है तो उसमें हम बिल्कुल सच्ची बात करते हैं, और हमारा वजीर आला जो है कुशादा दामनी से उस बात को कबूल भी करता है। हमारे जो हुक्मरान है आपकी पार्टी लीडरशिप उसकी नीयत ठीक नहीं है? नहीं, देखो इसमें तो मैं ये देख कर रहा हूँ कि पहले से बहुत ज्यादा जो है निजाम अच्छा हुआ है। ये गैर जमहूरी हुकूमतें जब आती हैं कौन हालात पैदा करता है उनके आने के? जो आज जमहूरियत के चैंपियन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे नून कहा जाता है। आम आदमी जो है वो तो इंसाफ की तलाश के अंदर जेलों में या तो मर रहा है या उसको इंसाफ मिलने रहा है। आप पंजाब के वजीर कानून जो इंसाफ के रखवाले हैं उन्हीं के मुतल्लिक उसी पार्टी का एक और मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि ये 40 कत्लों में मुलव्वस। क्यों नहीं पकड़ रहे आप उन चोरों को जो 4 साल पहले आपको लगता था कि पाकिस्तान का सारा पैसा लूट के खा गए, अब आप उन्हीं लोगों की दावतें करते हैं और अब उन लोगों के अंदर कोई फॉल्ट नजर नहीं आता आपकी जमात को? हमारे यहाँ इल्जाम लगाना जो है लगा देते हैं लेकिन साबित नहीं करते। अगर ये चोर नहीं है, अगर इनके हाथ साफ हैं, तो इनको जरदारी को पकड़ना चाहिए था। आज हमारे हुक्मरान जब जाते हैं तो उनके पीछे से स्विस अकाउंट्स निकलते हैं, उनके पीछे सरे महल निकलते हैं, उनके पीछे ऑफशोर कंपनीज निकलती हैं, मेयरफेयर फ्लैट्स निकलते हैं। अगर आपने हुकूमत करनी है, अगर आपने हुकूमत के अंदर आना है तो फिर आपको 2700 एकड़ पे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है।